हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम बिहाई बुक का लेसन द लिटिल गर्ल करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय कैथरीन मेंसफील्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल, और वो लिटिल गर्ल हमेशा यही समझती है कि उसके फादर जो है कठोर दिल वाले हैं, ये स्टोन हार्टेड पर्सन है, और वो लिटिल गर्ल अपने फादर के डर की वजह से उनसे दूर भागती रहती है। और ये स्टोरी आप खुद से भी रिलेट करोगे, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बिना वजह डांटते रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये बात रियलाइज होती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे भले के लिए ही डांटते हैं। एक लिटिल गर्ल के व्यूज जो हैं अपने फादर के लिए कैसे बदलते हैं, यही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपके पास सभी लेटेस्ट वीडियोज़ पहुँच जाएँ। आपके राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस स्टोरी के राइटर कैथरीन मेंसफील्ड जो है न्यूजीलैंड की रहने वाली थी, और वो एक मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक पोएटस थे। चलिए लेट्स स्टार्ट द लेसन अ लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल के लिए उसके फादर एक ऐसे इंसान थे जिससे वो डरकर और बचकर रहना चाहती थी। सुबह काम पर जाने से पहले उसके फादर जो है उसके रूम में आते और उसे किस करते, और वो लिटिल गर्ल गुड बाय फादर कहकर जवाब देती थी। और जब उसके फादर की गाड़ी की आवाज धीमी होती सुनाई देती, जब उसे लिटिल गर्ल को लगता कि उसके फादर घर से निकल चुके हैं, जा चुके हैं, तो वो लिटिल गर्ल थोड़ी रिलैक्स होती और उसे कुछ रिलीफ मिलता। ऐसे ही शाम को जब उसके फादर घर आते तो वो लिटिल गर्ल जो है स्टेयर्स के पास खड़ी हो जाती और ड्राइंग रूम से आती हुई आवाजें सुनती कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, कि अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया, ये और मेरे स्लीपर्स ले आओ। उस लिटिल गर्ल को उसकी माँ बुलाती कि केजिया तुम एक अच्छी लड़की हो, और कहती कि तुम नीचे जाकर अपने फादर के शूज उतार दो। तो वो लिटिल गर्ल केजिया धीरे से उतरती और ड्राइंग रूम का दरवाजा वो खोल देती। उस समय तक उसके फादर अपना चश्मा लगा लेते और उस लिटिल गर्ल को, उस केजिया को इस तरह देखते जिससे वो जो लिटिल गर्ल थी वो बुरी तरह डर जाती। वो बोलते कि अच्छा केजिया हरी अप और जूते उतारो और जूतों को बाहर ले आओ। उसके फादर उससे ये कहते और वो डरते डरते हकलाते हुए कहती आई डोंट नो फादर। तब उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी माँ जो है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। एक्चुअली वो लिटिल गर्ल किसी भी दूसरे से बात करते हुए नहीं हकलाती थी, सिर्फ अपने फादर के आगे उनके डर की वजह से वो हकलाया करती थी। लिटिल गर्ल केजिया के फादर जो है अपनी माँ से कहते हैं कि इस लड़की को समझाओ कि वो ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे सुसाइड करने के लिए तैयार खड़ी हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लिटिल गर्ल केजिया है जो अपने फादर के बारे में सोचती है कि वो उसके फादर जो है का जो है इतना बड़ा शरीर है, हाथ गर्दन और मुंह जो है बड़े बड़े हैं, और वो जो यान मीन्स जमाई लेते हैं तो बिल्कुल एक जियांट की तरह, एक दैत्य की तरह, एक राक्षस की तरह उसे दिखाई देते हैं। एक दिन संडे के दोपहर को लिटिल गर्ल केजिया की ग्रैंड मदर जो है केजिया को उसके फादर और मदर के पास ड्राइंग रूम में भेजती है और कहती है कि उसकी देखो, उनके पास जाकर बैठो। तो जब वो लिटिल गर्ल केजिया जो है ड्राइंग रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मदर कुछ पढ़ रही है और उसके फादर जो है सोफे में हैंकी से उन्होंने अपने मुंह को ढक रखा है और उनके जो पैर है कुशन्स पर टिकाकर वो स्नोरिंग करते हुए सो रहे हैं। स्नोरिंग मीन्स खराटे करते हुए सो रहे हैं। केजिया अपनी मदर को ड्राइंग रूम में कुछ पढ़ते हुए देखती है और अपने फादर को सोते हुए देखती है, तो केजिया वहीं स्टूल पर बैठ जाती है और तब तक बैठे रहती है जब तक कि उसके फादर नहीं उठ जाते। जब उसके फादर उठते हैं तो वो केजिया को देखते हैं, तब वो उससे बोलते हैं कि तुम ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो, तुम्हारी आंखें जो है ब्राउन आउल की तरह नजर आ रही हैं। एक दिन केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को बताती है कि उसके फादर का बर्थडे जो है नेक्स्ट वीक है, और वो केजिया अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए येलो सिल्क के टुकड़ों से एक कुशन कवर जो है उसे बनाना चाहिए। लिटिल केजिया बड़ी मेहनत से डबल कॉटन के कपड़े से तीन तरफ से उसे स्टिच करती है और सोचने लगती है कि इस कुशन को किस चीज से फिल करूं जिससे ये फ्लफी हो जाए। और इतना सोचकर वो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में जाती है और बेड के नीचे वो कुछ ढूंढती है कि उसे कुछ मिल जाए। तब उसे बेड के नीचे कुछ कलरफुल पेजेस मिलते हैं, तो वो उन कलरफुल पेजेस को टुकड़े टुकड़े कर देती है और उनके पीसेस को उस कुशन में फिल कर देती है, भर देती है, और वो उस कुशन को फोर्थ साइड से भी फिर
वो सील देती है। उस रात जो है केजिया के फादर जो है सबसे कुछ कागजों के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने कोई कागज देखे हैं, कि वो उसे कहीं मिले हैं, कि उनकी एक जो है स्पीच जो है एक जो पोर्ट अथॉरिटी के सामने जो उन्होंने पढ़ी थी वो स्पीच जो है कहीं खो गई है। जब केजिया से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसने उन पेपर्स को फाड़ दिया, तो और फिर से डांट कर पूछा जाता है तो वो हकलाने लगती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया। ये कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो एक अंधेरे कमरे में रोती रहती है। और केजिया के फादर जो है गुस्से में उस में आते हैं और उस कमरे में रूलर लेके आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं। और केजिया जो है बिस्तर में छिपते हुए रोती रहती है और चिल्लाती रहती है कि उसे ना मारे ना मारे। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम उठकर बैठो, और कहते हैं कि तुमने तुम्हारी जो चीज नहीं होती तुम्हें उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और इस बात का सबक जो है मैं तुम्हें दिलाकर रहूंगा। और तभी उसके जो है वो केजिया कहती है कि ये जो उसने पेजेस को फाड़ा है ये उनके बर्थडे के लिए फाड़ा है, और उसने उससे कुशन कवर को फील किया था। और तभी उसके जो फादर है उसकी पिंक पिंक जो हथेलियां होती है उनपे रूलर मार देते हैं। थोड़ी देर बाद जो है केजिया की ग्रैंड मदर आती है और उसे शाल में लपेट देती है, और केजिया जो है अपनी दादी के साथ लिपट जाती है और रोते रोते बोलती है कि भगवान ने ऐसे फादर किस लिए बनाया। तो उसकी दादी माँ बोलती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, और मैंने तुम्हारे फादर को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुमने उसकी जो है पोर्ट अथॉरिटी वाली जो स्पीच थी जो उन्होंने कल पढ़नी थी वो तुमने फाड़ दी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैकडोनाल्ड फैमिली जो है उनके घर के नेबर में ही रहती होती है, और उसके इनके जो 5 चिल्ड्रन होते हैं, और उनके जो केजिया थी वो दीवार में एक छेद था और उस दीवार के छेद में से उन बच्चों को अपने फादर के साथ खेलते हुए रोज देखा करती थी। कभी वो अपने जो मैकडोनाल्ड फैमिली के जो फादर थे वो अपने शोल्डर में छोटी बेटी को बिठा लेते, और कभी कभी कोट की जो है बड़ी बड़ी पॉकेट्स में अपनी दोनों लड़कियों को डाल लेते और फ्लावर बेड्स के आसपास चक्कर लगाते, जिससे बच्चे जो है बड़े खुश होते, उनके साथ वो बहुत प्ले किया करता था। तब से केजिया को इस बात का बिलीव हो गया था कि फादर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक दिन केजिया की मदर जो है बीमार हो गई, और केजिया की मदर और ग्रैंडफादर को दोनों ही को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और तब घर की कुक जो है एलिसा और लिटिल गर्ल रह गई थी। एलिस केजिया को बिस्तर पे लिटाती है तो केजिया जो है डर जाती है। केजिया एलिस से कहती है कि अगर कोई डरावना सपना मुझे आ गया तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाएगा, और दादी जो है मुझे अपने पास ही सुलाती थी। तो एलिस उसे सोने के लिए कहती है कि तुम सो जाओ वरना तुम्हारे फादर जो है उठ जाएंगे, जग जाएंगे। केजिया एलिस की बात सुनकर सो तो जाती है, लेकिन केजिया को एक पुराना सपना दिखाई देता है कि एक बुचर जो है एक नाइफ और एक रस्सा लिए जो है उसके पास ही आ रहा है, और इस सपने को देखकर केजिया बहुत ज्यादा डर जाती है, और केजिया को ऐसा लगता है कि वो हिल भी नहीं पा रही है, और इस तरह वो दादी माँ चिल्लाने लगती है। तभी केजिया के फादर जो है हाथ में कैंडल लिए जो है उसके पास आते हैं, और वो केजिया अपने फादर को देखती है कि उसके फादर जो है उसके पास ही खड़े हैं। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तो केजिया कहती है कि उसे एक डरावना सपना आया और उसने एक कसाई को हाथ में चूरा और रस्सा लिए हुए देखा, और मुझे दादी माँ चाहिए। केजिया के फादर जो है उसे चुप कराकर उसे अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं और अपनी बेटी को जो है अपनी बाहों में सुला देते हैं, और क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तो उनसे जो है केजिया से जल्दी नींद आ जाती है, वो दोबारा जल्दी सो जाते हैं, लेकिन केजिया को नींद नहीं आती और वो सोचने लगती है कि उसके फादर बेशक ग्रैंड मदर से ज्यादा हार्डर है लेकिन उनकी जो कठोरता है वो प्यार भरी है, और वो सोचती है कि उसके फादर जो है रोज इतना काम करते हैं, इतना पूरा दिन बिजी रहते हैं जिसकी वजह से वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, और सोचती है कि उसने उस दिन इतने इम्पोर्टेंट कागज जो है उनकी स्पीच भी फाड़ दी थी। और फिर वो इस तरह सोचकर एक गहरी जो है सांस लेती है
और जैसे वो सांस लेती है तो उसके फादर एकदम से फिर दोबारा से जग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा। तो केजिया कहती है कि नहीं, मैंने उसे कोई डरावना सपना नहीं आया। और वो लिटिल गर्ल सोचती है फिर कि मेरा जो सिर है अपने फादर के हार्ट के ऊपर है और मैं उनकी हार्ट बीट को सुन सकती हूँ कि मेरे पापा का दिल कितना बड़ा है। इस तरह ये लेसन ऑन लिटिल गर्ल यहीं पे खत्म होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।